this is 39 feet 1 inch and 27 feet 8 inch ka house plan and isme hum 10 feet height tak isko lekar jayenge theek hai iska font elevation ke sath hum aapko kuch part bhi yahan par dikhayenge theek hai chaliye isko hum yahan par ready karte hain is plan ko रेडी करने से पहले यहाँ पर हम एक डोर प्रोवाइड करेंगे जो है 7 फीट 4 फीट और यहाँ पर एक डोर प्रोवाइड करेंगे जो है 7 फीट 3 फीट और हम यहाँ पर एक डोर प्रोवाइड करेंगे जो है 7 फीट 2 फीट 6 इंच। ओके यहाँ पर देखें और यहाँ पर इस प्लान में कुछ पार्ट हमने यहाँ पर चेंज किया है ठीक है। तो चलिए इसको हम यहाँ पर रेडी कर दें। देखिए इसके बाद यहाँ पर एक डोर हम फिट करेंगे जो है 7 फीट बाई 3 फीट। इसके बाद इधर और एक डोर हम प्रोवाइड करेंगे जो है 7 फीट बाई 3 फीट। ओके और नेक्स्ट इधर और एक डोर हम प्रोवाइड करेंगे जो है 7 फीट 6 इंच। और इसके बाद नेक्स्ट हम इधर 7 फीट 6 इंच का 7 फीट 6 इंच का यहाँ पर एक डोर हम ऐसे प्रोवाइड करेंगे ठीक है। तो इसका भी डोर हम इधर से प्रोवाइड करेंगे जो है 7 फीट 3 फीट। तो इसका डोर कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर स्टेयर प्रोवाइड करेंगे इस जगह पर, फिर इसको ऐड करते स्टेयर। देखिए यहाँ पर हमने स्टेयर प्रोवाइड किया है, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप या थर्ड स्टेप में यहाँ पर 10 फीट है ठीक है। अच्छा इसका हाइट भी आपके साथ हम शेयर कर देते, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। देखिए 10 फीट हाइट है बिल्डिंग का हाइट, तो हाइट आपको मिल गया ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे इसका जो कुछ विंडो का जो पोजीशन है यहाँ पर हम जो है 7 फीट और यहाँ पर जो है 4 फीट 6 इंच कुछ विंडो है यहाँ पर हम प्रोवाइड करेंगे। तो इधर भी हम प्रोवाइड करेंगे विंडो ठीक है ऐसे। नेक्स्ट हम पीछे की तरफ कुछ विंडो यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे जो है 7 फीट 6 इंच और इसका जो है हम वेंटिलेटर इधर पर प्रोवाइड करेंगे और यहाँ पर जो है प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर जो स्टेयर है इसका जो विंडो हम इधर प्रोवाइड करेंगे ठीक है। तो उसके बाद इसका हम ऐसे ऐसे करके इसका बाहर लेकर जाएंगे। तो चलिए इसका हम पहले डिलीट कर देते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे इस साइड में भी कुछ विंडो हम प्रोवाइड करेंगे जो है 7 फीट और 4 फीट 6 इंच। ओके यहाँ पर जो है लिविंग का वेटिंग रूम यहाँ पर भी हम कुछ विंडो वगैरह करेंगे, नहीं तो यहाँ पर आपका ऐसे रहेगा ठीक है। उसके बाद हम इसका जो फ्रंट का पार्ट है इधर कुछ विंडो तो हमें चाहिए, तो विंडो हम इधर भी कर सकते हैं जो है 7 फीट और नीचे में 4 फीट 6 इंच और इधर भी 7 फीट 4 फीट 6 इंच। उसके बाद इसका जो पार्ट है इधर हम ऐड कर देंगे, इधर हम ऐड कर देंगे तो फ्रंट में जाएंगे ठीक है। फ्रंट में जाने के बाद उसके बाद हम इसका रूफ का डिज़ाइन प्रोवाइड करेंगे। देखिए इसका फ्रंट का पार्ट ऐसे रहेगा। चलिए इसका रूफ पार्ट हम यहाँ पर डिज़ाइन करते हैं, तो आपके साथ वही शेयर करेंगे। चलिए देखिए कुछ इस टाइप का प्लान के साथ जो एलिवेशन है इस टाइप का आपको दिखाई देगा ठीक है।
तो इसको हम और भी डेवलप करेंगे जो है इसका। यहाँ पर कुछ रेलिंग हम प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पर देखिए घर के अंदर जाने का जो डोर विंडो यहाँ पर हम प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए उसको हम यहाँ पर ऐड करते हैं, ठीक है। चलिए तो फाइनली इधर देखिए जो प्लान है उसको वाइज यहाँ पर देखिए हमने जो रेलिंग का पार्ट भी ऐसे रखा है यहाँ पर, तो ब्लैक फिनिश का जो रेलिंग है यहाँ पर रखा है, ऊपर में जो है इस टाइप का रेलिंग का फिनिशिंग रखा है, ठीक है इस टाइप का। तो इसके अंदर जो है जी प्लस वन बिल्डिंग प्लान है, तो इसमें हमने इस टाइप का रखा है फॉन्ट में, देखिए आइसोमेट्रिक व्यू इस टाइप का आएगा इसका, और इस साइड का आइसोमेट्रिक व्यू इस टाइप का आएगा, ठीक है। तो इसमें जो पार्ट है अंदर का हम आपके साथ शेयर करेंगे, चलिए इसको शेयर कर। इधर देखिए एक बेडरूम, यहाँ पर एक किचन, किचन के अंदर से बाहर जाने का रास्ता इधर एक बेडरूम, उसके बाद देखिए यहाँ पर डाइनिंग टेबल, ओके। यहाँ पर घर के अंदर आने के बाद एक बैठने का जगह, उसके बाद यहाँ पर स्टेयर, यहाँ पर टॉयलेट वगैरह, ठीक है यहाँ पर हम रखेंगे। तो इसके बाद इसका जो डिटेलिंग है हम आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए इसका मेजरमेंट, टोटल मेजरमेंट हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, देखिए एक्सप्लोर करेंगे पहले इसका। हम टोटल मेजरमेंट यहाँ पर जो है 27 फीट 8 इंच, इसका मतलब 28x40 का आपके पास प्लॉट है, तो आप इस टाइप का बिल्डिंग डिज़ाइन जी प्लस वन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमने जो रखा है यहाँ पर 7 फीट x 8 फीट, यहाँ पर टॉयलेट, पर स्टेयर एरिया, ओके, यहाँ पर किचन एरिया, यहाँ पर बेडरूम एरिया, यहाँ पर बेडरूम, यहाँ पर जो बेडरूम, यहाँ पर बैल्कनी एरिया, यहाँ पर लिविंग कम ड्राइंग एरिया, यहाँ पर आपका एक पोर्च एरिया, यहाँ पर आपका बैल्कनी का जो लेंथ है यहाँ पर ये एरिया, ठीक है। तो उसके बाद इसका जो कॉलम या फाउंडेशन ऐसे रहेगा इधर, देखिए ऐसे, इसके बाद ऐसे से रहेगा, यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा है इसलिए ऐसे रहेगा इधर, इसके बाद इधर ऐसे ऐसे और इधर ऐसे, ठीक है। तो इसका जो टोटल स्क्वायर फीट कितना आएगा, इसका स्क्वायर फीट 1081 स्क्वायर फीट। इसमें जी प्लस वन का जो आपका जो देखिए यहाँ पर जो है जी प्लस वन का ऐसा प्लानिंग है, इसमें हमने डोर भी प्रोवाइड किया है साइड से, इधर भी देखिए रेलिंग का जो पार्ट है यहाँ पर हमने इस टाइप का रेलिंग यहाँ पर प्रोवाइड किया है घर के अंदर में, और इसका जो है टॉप से देखिए इस टाइप का दिखाई देगा, तो इसमें हमने देखिए साइड में भी हमने एक प्रोफाइल इस टाइप का रखा है, क्योंकि इसमें एक पूरा हमने इस टाइप का डिज़ाइन किया है साइड में, ओके इस साइड में भी। तो 2D और 3D अच्छे लगे तो लाइक और शेयर कर देना, चलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पर।